दियो दियो छेड़ा दियो ये भी तो पता चला मीटर हुआ कौन है हमारे। हाँ अच्छा गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी, सबको कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी ठीक हूँ और घर पे सभी ठीक है। और हिमाचल का मौसम तो भाई बस हर रोज़ बारिश हो रही है और अभी भी थोड़ी थोड़ी हल्की बारिश लगी हुई थी यहाँ पे। तो ये है 25 सितंबर का व्लॉग, मतलब पिछले कल का, और आज है जी आखिरी श्राद्ध और हमारे घर में आज श्राद्ध भी है तो काफ़ी ज़्यादा काम लगा हुआ है। तो अभी सुबह से मैं और नैना हम दोनों नहा चुके हैं, तो यहाँ पर मैं नैना की कंगी कर रही हूँ और बहुत ड्रामे कर रही थी वो इधर उधर। तो सबसे पहले नहा के ना थोड़ी सी कंगी कर लेती हूँ, बाल बना लेती हूँ, क्योंकि ना फिर दिन भर इतने बिजी रहते हैं कि टाइम ही नहीं लगता है। और आज ना मैंने सिर नहीं धोया है क्योंकि आज श्राद्ध थी तो सिर नहीं धोया। बोलते हैं ना कि जिस दिन श्राद्ध होती है उस दिन सिर नहीं धोते, कपड़े नहीं धोते, तो धोए नहीं हैं हमने। तो बस आज लास्ट दिन है, आज के दिन श्राद्ध मनाएंगे हमारे पितरों की और आज ही के दिन पितरों की विदाई जो है वो भी हो जाती है। तो 16 दिन तक पितर जो होते हैं ये हमारे साथ ही यहाँ पे रहते हैं और 16 दिन के बाद इनकी विदाई कर देते हैं। तो पता नहीं, वैसे बोलते हैं कि लगता है, लेकिन किसने देखा है इस तरह से भी बातें करते हैं लोग, लेकिन हमारी ये मान्यता है तो हम लोग तो करते हैं। झाड़ू मामा के ऊपर नहीं, झाड़ू नीचे मार, झाड़ू। बोलो 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 लो बोलो राधे कृष्णा जी सबको। बोलते राधे कृष्णा, राधे कृष्णा जी सबको, राधे कृष्णा जी। मैं सुबह से नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। ये देखिए मैं बाबू बन गया था, लेकिन अभी मैंने चप्पल खोल दी। बता दे सबको अब, है ना, मैं गंदा बच्चा बन जाता हूँ। क्यों खोला, किसने नहाया था आपको? पापा। पापा ने नहाया था, अच्छा ठीक है। चलो मम्मा चाय बना रही है अभी। भाई 5-6 दिनों से तो लगातार बहुत ज़्यादा धुआंधार बारिश हो रही है, देख सकते हैं आप, सारे घर में सीलन आ चुकी है, पानी पानी हो चुका है चारों ओर, पानी जलमग्न कर दिया भगवान ने पूरी धरती को और हर जगह ये बारिश ना बहुत ज़्यादा हो रही है। और अभी फिर से आने की तैयारी है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जो दीनी घाटी है, दीनी घाटी पे बादल छाए हुए हैं बहुत ख़तरनाक काले काले और कभी भी बारिश आ सकती है, बारिश की बौछार। और मैंने कल रात को ही कपड़े धो लिए थे क्योंकि आज हमारे थे श्राद्ध, तो रात को कपड़े धो दिए थे, अभी वो सूखने को डाले, पता नहीं सूखेंगे कि नहीं। बहुत ही भयंकर वाला तूफान जो है वो चल रहा है, ये देखिए अभी मैंने लगाई हुई है किचन में चाय बनने को, पतिदेव और एक हमारा यहाँ पे जो पिकअप वाला ड्राइवर भैया है इन्होंने पीनी है चाय, बच्चे बाहर घूम रहे हैं और मुझे लगता है कि मुझे इन कपड़ों को अब उठाना ही पड़ेगा, आधे तो नीचे गिर चुके हैं सारे, बुरा हाल हो चुका है यहाँ पे और सारे में इतना गीला गीला है ना कि आपको क्या ही बताएं। ये देखिए कल मैंने कवर बनाए थे, इनका भी बर्बादी है, नाश हुआ हुआ इनका भी, और हल्की हल्की बूंदें ना लगनी शुरू हो गई हैं। तो चलिए पहले कपड़े उठा लेती हूँ। और गाइस शायद के लिए ये देखिए ये सामान ला रखा है सब कुछ। और गाइस मेरी मम्मा मेरे को डांटने लग गई, ये ढंग से बंद नहीं होता, आधा ही बंद होता है ये। ये बाहर क्या कर रहे हैं? जब भी घर में कुछ फंक्शन होता है ना तो हमारा लेडीज़ का भी यही काम रहता है, चाय पानी। और यहाँ पे आई हुई हूँ मैं गिलास लेने के लिए, देखिए मैंने यहाँ पर रखे हुए डिस्पोजेबल गिलास होते हैं जो, इसमें से ले जाती हूँ चाय के लिए। अभी आज हमने यहाँ पे मैट मोट वगैरह बिछा ली, देखो
लोगों को बैठने के लिए ना। चलिए चाय बनाती हूँ, चाय दे लेती हूँ। बारिश तो फिलहाल हो नहीं रही है, लेकिन मौसम जो है बहुत गड़बड़ाया हुआ है। पता नहीं कब बारिश दोबारा से शुरू हो जाए। हाँ जी, तो अभी घर में ना खाना बनाने वाले आ गए थे, तो मैं लग गई थी चाय बनाने, क्योंकि पतिदेव ने कहा कि चाय बना के लाओ। और साथ ही मैं यहाँ पे मैं लग गई हूँ आलू काटने, क्योंकि अभी मुझे कुछ बनाना है और ये बनाना बहुत ज़रूरी है। मुझे ना हर बारी बहुत बुरा होता है, नहीं तो इस टाइम ना श्राद्ध के टाइम कुछ भी फंक्शन होना तो पहले होता है ना कि नहीं दिन तक खाना तैयार हो जाएगा, और फिर दिन तक खाना तैयार नहीं होता, क्योंकि श्राद्ध जो है ना 2-3 बजे तक ही होती है, और उसके बीच में फिर खाना मतलब भूख लग जाती है सबको। तो थोड़ा बहुत कुछ बनाना था मैंने यहाँ पे। प्याज काटे हैं, आलू काटे हैं और चावल भिगो के रखे हुए थे। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं खिचड़ी। सबसे पहले साबुत जीरा डाला है, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। प्याज को अच्छे से भुनने दूँगी। जब प्याज अच्छे से भुन जाए तो मैं डाल दूँगी इसमें मसाले, जैसे कि धनिया, मिर्ची, हल्दी, बस यही होते हैं कॉमन से मसाले जो भी होते हैं ना, यही डालेंगे। बाकी इतना कोई ख़ास मसाला नहीं डालना है, और बस इसको थोड़ा सा भून लेंगे हम। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी डाला है, क्योंकि ना मैं साथ साथ और भी काम कर रही थी, तो कहीं जल ना जाए। तो मसाला जो है ना अच्छे से पक जाता है इस तरह से भी ना, जल्दी जल्दी में बनाना हो तो थोड़ा सा पानी डाल दें और अच्छे से मसाले को पकने दें। साथ ही मैं यहाँ पे खीर जो है हमारी वो भी बन चुकी है श्राद्ध के लिए, तो इसमें मैंने नारियल जो होता है ना वो कद्दूकस करके रखा हुआ था वो इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से कर दूँगी मिक्स। इसको ना हमने उतार लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी, तो अभी दूध जो है हमने पहले इसमें काफ़ी डाल दिया था। थोड़ा सा पानी डाल के और पकाऊंगी इसको, ताकि इसकी ठीक आ जाए कंसिस्टेंसी। और यहाँ पे मसाला जो है हमारा पक चुका था, और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आलू, साथ में मैं चावल भी डाल दूंगी। वैसे थोड़े से अगर आलू फ्राई हो जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन ऐसे भी गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी पुलाव बना था, खिचड़ी पुलाव कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो बस यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये देखिए इसमें चीनी डाल दी है खीर में, फिर से इसको पकने लगाया था ना, और अभी मैंने इसमें चीनी भी डाल दी है, ऐड कर दी है चीनी। और इसमें ना किशमिश भी डाले हैं हमने, वो पहले ही डाल दिए थे, और मतलब मेरे ननद जी है ना जो वो भी थे यहाँ पे, तो उन्होंने डाल दिए थे वो पहले ही। और नारियल जो है वो बाद में डाला मैंने, क्योंकि उसको कद्दूकस कर ली थी। तो यहाँ पर बस हमारी खीर बन चुकी थी, ये हमने किचन में ही बनाया है। बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो जो हमारे खाना बनाने वाले आए हैं वो बनाएंगे। तो रायता और खीर जो है घर में बनी है। हाँ जी शेफ जी, ज़रा हमें बताइए आपने कैसे इस खीर की इसे मतलब बनाया, इतनी गाढ़ी खीर आज तक नहीं देखी। पहले दूध लगाया उबालने को, उसके बाद चावल डाल दिए उसमें धो के, दूध में ही पके हुए चावल है ये। उसके बाद गाढ़ी को कद्दूकस किया नारियल को और इसमें डाल दिया, बन गया। और यहाँ पे पूड़े का बैटर बना रहे हो, यहाँ पे पूड़े का बैटर बनाया जा रहा है। और इसे बनाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक कारीगर आए हैं, ये देखिए हन्नी भैया हमारे। तो इससे पूड़े बनाएंगे है ना। अभी मेरी मम्मा ने अपने हाथ में हमारा ब्रह्मास्त्र झाड़ू उठा लिया है, और नैना हम नैना को साथ घसी कर ले जाते हुए नैना को साथ ले जा रहे हैं। और हाँ जी, हाँ थोड़ी सफाई कर दी थी मैंने थोड़ी क्यों। और गाइज हमारा जो ये कमरा है, और गाइज हमने ये कमरा ना क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पे आंगनबाड़ी में ना बच्चों को जैसे कि ट्यूशन के लिए दे रखा है ये कमरा। उन्होंने यहाँ पे चार्ट वगैरह लगा रखे हैं, छेड़ मत। तो अभी के लिए कमरा उनका है, और हम यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। ऐसे कमरा हमारा अभी भी है, हमने बस ऐसे ही दे रखा है ट्यूशन के लिए। और गाइस यहाँ पे हमने दरी वगैरह बिछा दी है, और ये रहे हमारे फैमिली वाले की फ़ोटो, और आज है हमारे इन मोटे दादू की श्राद्ध, और इधर पूरी फैमिली की है। ये हमारी बूटी दादी, और ये हमारे बूटे दादू। उसके अलावा नहीं, मम्मा ने धक्का मार दिया मेरे को, मैं गिर गया। और ये है बड़े पापा, सौरभ भैया के पापा, और ये पता नहीं आखिरी कौन है इनका, मेरे को पता नहीं है कुछ। हाँ अब मेरे को पता चल गया है मेरे मामू हैं, और अभी इधर दरी बिछाएंगे। अब वो कैसे
तो आज के दिन तो बस इतना बिजी रहती हूँ ना कि एक काम से हटती हूँ दूसरे काम में पहुँच जाती हूँ। और यहाँ पे ना वैसे तो धैर्य ने झाड़ू लगा दिया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा, मुझे प्लास्टिक ये देखिए कूड़ा दिख गया था ना, बच्चे इधर उधर फेंक देते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे फिर से साफ़ कर दिया और इसको बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ना अभी मुझे थोड़ा सा पोछा भी लगाना है और यहाँ पे ना वो पूजा होगी, मतलब श्राद्ध का पूजन जो है ना, तो पूजन हमारे यहीं होता था, लेकिन ये हमने ना ट्यूशन पढ़ने के लिए बच्चों को दिया है। यहाँ पे ना गाँव के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो जैसे पूरे गांव का सेंटर पॉइंट जो है ना वो यहीं पड़ता है, और यहाँ पे हमारे घर के आगे ना खुला आंगन भी है, अच्छी जगह है, तो इसलिए यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए। तो लेकिन वो तो मतलब आज छुट्टी थी ना, संडे थे, तो वो आने नहीं थे, वैसे भी वो शाम के टाइम ही आते हैं 2-2.5 घंटे के लिए। तो बस यहाँ पे हमारा काम भी हो गया था इसमें, और ये बुई जो है इसकी उतने चूल्हे में आग बुझ गई थी, वो बोले तुम इधर उधर घूम रहे हो और चूल्हे में आग बुझा दी तुमने, तो उतने चूल्हे में आग जलाने लग गए थे। दो दो छेड़ा दो तभी तो पता चलना मीटर हुआ कौन है हमारे। हाँ अच्छा, हाँ ये देखो कारीगर आदमी हमारे। और क्या बनाया, उसमें बना दी सब्जी बना दी उसमें, अच्छा उबालने को लगा रखे। ये देखो चरी, गरम। तो अभी यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था कि पूड़े बनाने के लिए ना तई कहाँ लगेगी, क्योंकि ना बाहर हो रही थी बहुत ही ज़ोरों से बारिश, तो यहाँ पे खुली हवा में ना पूड़े इतने अच्छे से बनने नहीं थे। और वापसी में देखिए मेरे पास दीदी उन्होंने बाल्टी, भैया ने टमाटर मिक्सी में वो करने के लिए पेस्ट बनाने के लिए, तो टमाटर और हरी मिर्ची और अदरक इसका पेस्ट मुझे बनाना था। तो बस यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले नलके के पास ही जा रही हूँ, क्योंकि इसको अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि मुझे ना तब तक वो नहीं होता जब तक मैं खुद नहीं धो लेती हूँ ना, देख लेती हूँ अच्छे से साफ़ हैं काटे हुए कि नहीं है काटे हुए इन्होंने। तो यहाँ पे बस मैं धोने के लिए आ गई थी, तो इसको पहले अच्छे से वॉश करूँगी ना, उसके बाद ही मिक्सी में इसका पेस्ट बनाऊँगी। तो सड़क के भी पूरे हाल है। हाँ हाँ बता दो। सड़क की है तो पानी चलो, यहाँ तो पानी पानी है सारे में हुआ था। चप्पल दो इनको, गिल्ले जड़े नहीं चिपचिप करने का। तो गाइस अभी मेरी मम्मा यहाँ पे सफाई कर, तो गाइस मेरी मम्मा अब टमाटर काट के टमाटर जार में भर रही है। तो अभी गाइस ये हो रहा है इधर कटिंग इसकी। तो यहाँ पे टमाटर और अदरक और हरी मिर्च अलग अलग पीस के मैंने दे दी थी जो कारीगर बनाने वाले आए थे वो, और अभी ना थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हुई थी तो मैं निकल गई थी घास काटने के लिए। अभी जा रही हूँ मैं रास्ते रास्ते से खेत में, और ये देखिए इतनी हवा तूफान आया ना कि सारी मक्की जो है ना वो नीचे गिर चुकी है, रास्ते तक आई हुई है। तो बारिश बंद थी ना, तो मम्मी बोल रहे थे कि घास ले आते थोड़ा बहुत, क्योंकि ना 3-4 दिन तो ऐसे हो गए जो लगातार बारिश हो रही है, कब जाएं गाय को घास कब लाएं, तो सूखी जो तूड़ी है ना वही दे रहे हैं। और अभी मैं बस घास काटा मैंने यहाँ पे, और ये मैं उसी खेत में आई हूँ जहाँ पे अंडगढ़ भी है। डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, मैं सोच रही थी बारिश में खाएं ना खाएं, शायद बारिश में वो अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन दिखे तो नहीं यहाँ पे, लेकिन डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। और यहाँ पे मैंने जो गड्ढा है वो बना लिया है, अभी मैं इसको लेके घर जाऊँगी। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे आपको आज का मेरा व्लॉग जो है अच्छा लगा होगा। अभी व्लॉग का एंड यहाँ पे नहीं है, इसके आगे का व्लॉग जो है वो नेक्स्ट दूसरे चैनल पे आएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।